मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ा बदलाव, नरेंद्र सिंह तोमर को मिलेगा बड़ा पद। शिवराज की उड़ी ने भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा इन दिनों चुनावी नया पार लगाने के लिए सत्ता संगठन में नए सिरे से कसावट लाने की कवायद कर रही है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए पार्टी जहां संगठन स्तर पर अनुभवी लोगों को कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है, तो वही सरकार का चेहरा भी बदला जा सकता है। जी हां, गुजरात फॉर्मूले के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए पार्टी नेतृत्व इसका फाइनल रोड मैप तैयार करने में जुटी है। पार्टी मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रदेश में भूमिका बढ़ा सकती है। आपको बता दें, शिवराज तोमर की जोड़ी ने दिए शानदार परिणाम। पार्टी नेताओं के अनुसार 2018 और 2013 में तोमर के हाथों में ही राज्य भाजपा की कमान थी। दोनों चुनाव में शिवराज और तोमर की जोड़ी ने शानदार परिणाम दिए थे। अब आपको बताते चलते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने से 2020 में भाजपा ने सरकार बना जरूर ली, लेकिन दिग्गज नेता मानते हैं कि जमीनी स्तर पर पकड़ को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की भी भूमिका विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। शुक्ल विंध्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवराज सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनी, तब शुक्ल को ही मंत्री नहीं बनाया गया था। बाद में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा रही, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका। अब शुक्ल को मंत्री बनाकर या संगठन में अहम जिम्मेदारी देकर मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अब आपको बताते चलते हैं कि संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर से, जहां कमलनाथ सरकार में दो दो मंत्री हुआ करते थे, अब वहां से कोई मंत्री नहीं है। चंबल और ग्वालियर संभाग को देखें तो वहां से सर्वाधिक 12 मंत्री शिवराज सरकार में हैं। जातीय समीकरण के नजरिए से भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में सवर्णों के बीच संतुलन नहीं बन पाया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।